हाय एवरीवन, आज हम लोग सेमी एम्पायरिकल मास फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला बेसिकली किसी भी न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है ना। और यहाँ पर ये 5 टर्म्स है ना। तो आप लोग कह सकते हो कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इन पाँचों के पाँचों टर्म्स पर डिपेंडेंट है, और इन्हीं को हम लोग कलेक्टिवली सेमी एम्पायरिकल मास फॉर्मूला कहते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, इन पाँचों टर्म्स को अलग अलग देखना है कि समझना है और डिराइव भी करना है साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग पहले लिख सकते हो, अगर एग्जाम में पूछा गया कि सेमी एम्पायरिकल मास फॉर्मूला गिव्स अस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी न्यूक्लियस फॉर एनी जेनन, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि किसी भी न्यूक्लियस के लिए आप लोग बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालना चाहते हो, किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए, किसी भी मास नंबर के लिए, है ना, तो आप लोग ये वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आप लोग को दो ही टर्म्स दिखाई पड़ेंगे, कैपिटल ए और जेड। ए मतलब मास नंबर और जेड मतलब प्रोटोन नंबर या एटॉमिक नंबर, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई पड़ रहे हैं A1, A2, A3, A4, ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट्स है ना, जो कि हम लोग को डिराइव करना है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्लास 12 पर एक बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या वो गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है सिर्फ दो या तीन टर्म्स पर डिपेंडेंट नहीं, इन पाँचों के पाँचों पर भी डिपेंडेंट है। अब ये जो 5 टर्म्स है इसे हम लोग 1 by 1 करके डिराइव करने की कोशिश कहते हैं ना। जो पहला टर्म है वो था क्या, वॉल्यूम एनर्जी, है ना। वॉल्यूम एनर्जी मतलब देखिए, जैसे ही हम लोग मास नंबर को बढ़ाते हैं, है ना, एटॉमिक मास को बढ़ाते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम होता है साथ में वो भी बढ़ता है। तो आप लोग लिख सकते हो कि जो वॉल्यूम एनर्जी है वो एटॉमिक मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे ही हम लोग एटॉमिक मास को बढ़ते हैं वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो उससे रिलेटेड वॉल्यूम एनर्जी भी बढ़ता है, है ना, या वॉल्यूम एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे एक कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, जैसे हम लोग A1 से डिनोट कर रहे हैं, किसी किसी बुक्स में FV से भी डिनोट किया जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना, है ना। ये A1 और FV कॉरेस्पॉन्डिंगली सिमिलर है, FV मतलब वॉल्यूम कोएफिशिएंट है ना। आप लोग A1 से भी डिनोट कर सकते हो, FV से भी डिनोट कर सकते हो, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस एनर्जी की ओर, है ना। यहाँ पर आप लोग डायग्राम देखिए, एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं कलेक्टिवली अगर हम लोग कहें, है ना, तो ये न्यूक्लियॉन्स जो अंदर वाले न्यूक्लियॉन्स होते हैं, है ना, वो तो बराबर क्या कहते हैं, उसमें जो सरफेस एनर्जी लगता है वो बराबर होता है, लेकिन जो ऊपर वाले न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसमें जो एनर्जी लगता है वो सिर्फ नीचे से लगता है, ऊपर से नहीं लगता है, बराबर नहीं लगता है। तो इससे क्या होता है, जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो कि जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है ना, तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पाई को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाई कॉन्स्टेंट है, सिर्फ R पर डिपेंडेंट है ना। तो आप लोग लिख सकते हो कि जो सरफेस एनर्जी है R स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। और आप लोग को पता होगा एक फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू R नॉट A 1/3, है ना, जो कि फॉर्मूला हम लोगों ने पहले वाले जो पार्ट है, वीडियो है, उसमें ही पढ़ लिया था, है ना। जो रेडियस होते हैं एटॉमिक मास पर इस तरीके से डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग इन सार तीनों को कंबाइन कर दें, एक्चुअली इन दोनों को कंबाइन करें, है ना, आर होता है A 1/3, तो आर के जगह पर मैं अगर A 1/3 पुट कर दूं, तो क्या हो जाएंगे, A 2/3। तो आप लोग लिख सकते हो सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A 2/3, लेकिन जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे कॉन्स्टेंट आएंगे A 2, और साथ में माइनस आएंगे। क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि जैसे ही हम लोग सरफेस एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी को, है ना। अगर बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज करे तो निगेटिव साइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कोलम्ब एनर्जी। देखिए, जो इसमें प्रोटॉन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी होता है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ना। तो देखिए, आप लोग लिख सकते हो कि जो कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, एनर्जी है, है ना, ये रेडियस पर, यानी कि जो सेपरेशन है दो प्रोटॉन्स के बीच में, है ना, उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर और उसके जो एवरेज होते हैं उस पर इस तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे ही हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, एक माइनस आते हैं और एक कॉन्स्टेंट आता है, बाकी बिल्कुल सेम है। और आप लोग को पता होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A 1/3, तो R के जगह पर मैं A 1/3 लिख रहा हूँ, है ना। तो ये वाले फॉर्मूला हम लोग के पास आ जाते हैं। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जो कोलम्बिक रिपल्सन है उसकी वजह से भी जो बाइंडिंग एनर्जी है उस पर थोड़ा सा डिक्रीज हम लोग को दिखाई पड़ रहा था, है ना। अब एसीमेट्रिक एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। एसीमेट्रिक एनर्जी मतलब देखिए, जैसे ही हम लोग एटॉमिक मास नंबर को बढ़ाते हैं उस पर क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि अगर हम लोग छोटे एटॉम्स की बात करें, एटॉमिक मासेस की बात करें, जैसे कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20, 30, 40, है ना, तो उस पर क्या होता है, प्रोटॉन्स और
न्यूट्रॉन्स लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग एटॉमिक मास को बढ़ाते हैं न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ना, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियर फोर्स को ज़्यादा करने के लिए न्यूट्रॉन नंबर भी हम लोग को ज़्यादा करना पड़ता है। तो कितना न्यूट्रॉन ज़्यादा है, एन माइनस जेड। अगर एन मान लीजिए न्यूट्रॉन नंबर है, जेड मान लीजिए प्रोटॉन नंबर है, तो एन माइनस जेड ज़्यादा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमेशा ज़्यादा होते हैं बहुत सारे केसेस में, तो कितना ज़्यादा है, एन माइनस जेड। तो जो एसिमेट्रिक एनर्जी है वो इसी से रिलेटेड है ना, जितना आप लोग का न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा उतना जो एसिमेट्रिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, और जो मास नंबर है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आप लोग को पता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन माइनस जेड, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या पता है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन माइनस जेड होल स्क्वायर बाय ए। देखिए न्यूट्रॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, इसे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, एटॉमिक माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन नंबर, राइट। तो यहाँ से हम लोग जैसे प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं ये माइनस आ जाता है, क्योंकि एसिमेट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी है उसे थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। एन माइनस जेड मतलब एन माइनस टू जेड, आप लोग को पता होगा ना जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, जो न्यूट्रॉन नंबर होते हैं और प्रोटॉन नंबर होते हैं उनका सम होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, एन माइनस टू जेड कर दूँ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, एन प्लस जेड माइनस टू जेड, है ना। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ए माइनस टू जेड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एन माइनस जेड के बराबर। तो एन माइनस जेड को हम लोग ए माइनस टू जेड से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए पेयरिंग एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी मतलब देखिए किसी किसी न्यूक्लियस में इवन इवन जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, किसी किसी न्यूक्लियस में इवन ऑड होता है, किसी किसी में ऑड इवन होता है और किसी किसी में ऑड होता है। जब इवन इवन होता है तब जो स्टेबिलिटी होता है न्यूक्लियस का वो सबसे ज़्यादा होता है, और जब ऑड होता है थोड़ा सा कम होता है ना। जो पेयरिंग एनर्जी है उसी से रिलेटेड है, अगर इवन इवन है तो यहां पर क्या होगा, प्लस ये वाला फॉर्मूला लग जाएंगे पेयरिंग एनर्जी के लिए, प्लस वाला। अगर ऑड ऑड है तब भी थोड़ा सा क्या लेंगे, पेयरिंग एनर्जी हम लोग के पास होगा लेकिन माइनस में होगा। अगर इवन ऑड या ऑड इवन न्यूक्लियर जो प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियर में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है इस तरीके के फॉर्म में है, तो इसका जो पेयरिंग एनर्जी होता है वो जीरो होता है ना। तो इस वाले टर्म में जीरो हो जाएंगे अगर इवन ऑड या ऑड इवन है ना, और ये क्या होगा, ऑड इवन न्यूक्लियर हो, है ना, न्यूक्लियर में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो। अब आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।